हिमाचल में इन दिनों सड़क हादसे बढ़ गए हैं। ताजा मामला मंडी जिला का है। मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवड़ में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की जान गई है, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, वहीं करीब 30 यात्रियों को चोटें आई हैं। ये बस शिमला डिपो की है और मनाली से शिमला जा रही थी। हादसा पंडोह के पास हुआ है। HRTC की इस बस में करीब 35 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि HRTC बस पंडोह डैम के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनाई कंक्रीट की दीवार से जा टकराई। चालक साइड का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कि हादसे में चालक की मौत हो गई है और करीब 30 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस व प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया है। DC मंडी अरिंदम चौधरी और पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री पंडोह के लिए रवाना हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने हादसे की पुष्टि की है। पूरी डिटेल के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज के साथ।